तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोफाइल गेमिंग यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको इस वीडियो में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में जितने भी स्कोर स्टिक अवेलेबल है सारे के सारे यूज़ करके और उनका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। वो जितने 16 के 16 है सभी का आपको आज इसी वीडियो में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हमारी सबसे पहली स्कोर स्ट्रीक है वो है UAV, यानी कि इस UAV के थ्रू आप एनिमी की सारी लोकेशंस रिवील कर सकते हो अपने मैप पे। यानी कि एक छोटा सा रडार है जो आपके आसपास जितने भी एनिमी से सभी की लोकेशन आपको बता देगा, जो कि इन गेम काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है ये UAV, आपके मैप को लगातार स्कैन करता रहेगा और आपके आसपास की जितने एनिमीज है वो लोकेशन देता रहेगा कुछ टाइम तक। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक स्कोर स्ट्रीक है, ये आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में स्टार्टिंग में देखने को मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है एनिमीज के लिए। गाइस, जो अगली स्कोर स्ट्रीक है यानी कि शॉक RC काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इससे आप बच नहीं सकते। अगर आपके ऊपर कोई आपके एनिमी ने ये यूज़ कर दिया तो आप इससे बच नहीं सकते। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है अगर आपको एनिमीज की लोकेशन नहीं मिल रही, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जाता है और एनिमीज के सामने जाके फटता है, यानी कि उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका आपको अभी एक प्रॉपर एकदम यूज़ दिखाने वाला अभी करके। पहले तो हमारा कैरेक्टर एक गाड़ी को नीचे रखता है, एक छोटी सी मिनी कार होती है, फिर ये ऑटोमेटिकली एनिमीज की लोकेशन इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है और एनिमीज को न्यूट्रलाइज कर देती है। यानी कि एनिमी कुछ नहीं कर पाया कुछ टाइम तक, बिल्कुल ही मतलब मरने जैसी हालत में होगा और उसकी हेल्थ भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है इसके वजह से। गाइस, जो स्कोर स्ट्रीक में आपको अभी दिखाने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और आपको ये फ्री में इन गेम स्टार्टिंग में मिल जाती है। बेसिकली ये एक ड्रोन होता है जो ऑटोमेटिकली एनिमीज को सर्च करके मारता है, पर इसके लिए आपको यूज़ करना होगा तो आपको UAV के साथ यूज़ करो, क्योंकि इससे आपको एनिमी की लोकेशन मिलेगी और आपको उस साइड फेंक देना है तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप अप करके खुद भी ब्लास्ट हो जाता है। गाइस, ये स्कोर स्टिक अभी भी काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, बड़े से बड़ा प्लेयर ये स्कोर स्टिक काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ ही इतना अच्छा है और ये काफ़ी तक जल्दी भी मिल जाता है और काफ़ी कम पॉइंट्स में अनलॉक हो जाता है। गाइस, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा अलग कॉन्सेप्ट है, पहली बार किसी गेम में आया है। यानी कि ये एक ड्रोन है जिसको आप फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो। इस ड्रोन का नाम है MQ-27 ड्रैगन फायर। इसके अंदर आपको 3 प्लाज्मा ग्रेनेड देखने को मिल जाती है, इससे प्लाज्मा लेजर प्लाज्मा है जो बोलना है बोलो, पर ये 3 मिलती है, लिमिटेड होती है, तो आपको ध्यान से इसे यूज़ करना है और अपनी बॉडी को भी ध्यान से रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी इस टाइम पे इनविंसिबल नहीं होती और आपको कोई भी एनिमी इस तरीके से मार सकता है। जब भी आप इस कोस्ट्री को यूज़ करें तो थोड़ा ध्यान से यूज़ करें। गाइस, जो चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये UAV का बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि इसका नाम ही काउंटर UAV है। इससे आप एनिमीज का मिनी मैप डिजेबल कर सकते हो। आपको UAV में तो आपका एनिमीज की लोकेशन पता चलती थी, पर इसमें आपका ऐसा मैप डिजेबल हो जाएगा और आपको एनिमीज की कोई लोकेशन ही नहीं पता चलेगी। ये बिल्कुल ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे मैंने किसी गेम में नहीं देखा। इससे आपको पूरा मैप जैम हो जाता है और आपको आसपास ना ही फुटस्टेप्स दिखाई देते हैं, ना ही फायरिंग दिखाई देती, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो काफ़ी ज़्यादा दमदार कॉन्सेप्ट है। गाइस, जो अगली चीज़ है उसका तो नाम से काफ़ी लोगों को पता चल जाता होगा क्या यूज़ है। इसका नाम है केयर पैकेज। ये आपको एक ड्रॉप देता है जिसके अंदर कोई भी रैंडम स्कोर स्ट्रीक होती है और ये ड्रॉप बस इसी तरीके से अब नॉर्मली आ जाएगा और इसके अंदर से आपको अपनी स्कोर स्ट्रीक उठा लेनी और ड्रॉप खुद से डिसअपियर हो जाएगा। इससे आपकी टीममेट भी ड्रॉप उठा सकते हो और आप भी उठा सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त चीज़ होती है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हो तो आपको किसी एक टीममेट को तो बोल देना है कि भाई ये केयर पैकेज रख लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इन गेम। देख सकते हो कि मेरे पास अचानक से ड्रोन आ चुका है और मेरे को अभी कोई मार नहीं पाएगा, क्योंकि ड्रोन को तो नहीं तोड़ पाएंगे तो उनको मेरी बॉडी को मारना पड़ेगा, पर मैं उससे पहले उनको निपटा दूंगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। मैं इसको आप अपने टीममेट्स को ज़रूर बोलना किसी एक बंदे को रखे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। गाइस, 98% बंदे लोग तो खाली इसे देख के बता देंगे ये क्या चीज़ है, पर मैं इसको आपको इसका नाम बता दूँ। इसका नाम है सेंट्री गन। ये बेसिकली एक गन होती है ऑटोमेटिकली, इसमें मिनी गन फिट होती है और ये एनिमी इसको रेडार के थ्रू ढूंढती रहती है और ये ऑटोमेटिकली आपको किल्स निकाल कर देगी बिल्कुल फ्री में। आपका बहुत मदद कर देती है गन, आपको इतना एक गन रखनी पड़ेगी क्योंकि पूरी की पूरी टीम की मदद भी करती है और प्रोटेक्ट भी करती है। बस इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट है कि कम रेंज के लिए, यानी कि लॉन्ग रेंज के लिए इसे बनी नहीं है, शॉर्ट रेंज में काफ़ी सारे बंदों को कूट देगी, लेकिन लॉन्ग रेंज की बात आती है तो एक गन पीछे रह जाती है। क्या आप लोग अपने टीममेट्स की मदद करना चाहते हो तो आप इसे डोमिनेशन या किल कन डोमिनेशन गेम में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करो इसे, क्योंकि इसे आप किसी भी पॉइंट पर रख दो वहाँ पे एनिमी तो आएंगे ही नहीं कुछ टाइम के लिए, इससे आपकी टीममेट्स की काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। गाइस, क्या आप धमाके के फैन हो तो भाई ये आपके लिए बना है प्रेडेटर मिसाइल। भाई इसको आप बस एनिमी को ओपन लोकेशन ढूंढो और उन पर काफ़ी सारी मिसाइल बरसा दो एक साथ, तो इसको पहले आपको ऐसे ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको एनिमीज की लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी और फिर इस 4 किल आपके देखो इससे मिल गए आपको बिल्कुल धमाके से, तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार चीज़ है और ये आपको फ्री में मिल जाती है। गाइस, क्या करोगे अगर आपके सामने एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर मिनी गन के साथ आ गया या आपके सामने एक ड्रोन उड़ रहा है जिसके आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो,
तो ये एक चीज़ आप ही लोगों के लिए बनी है, इसका नाम है सैम टरेट। ये ऑटोमेटिकली आसमान में जाके फायरिंग करेगा, जहाँ पे अगर ड्रोन हेलीकॉप्टर कुछ भी हुआ उसे ब्लास्ट करके मारेगा। जब तक वो ब्लास्ट नहीं होता तब तक हमारा सैम टरेट भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा ऑटोमेटिकली। इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है सेंट्री गन की तरह। ये समझ लीजिए सेंट्री गन है, पर ये एयर के लिए बनी है। ये देख सकते हो कि भाई सीधा उस पर फायरिंग किए जा रहा है और भाई जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक ये मानता नहीं है सैम टरेट। तो भाई इससे कोई भी चीज़ नहीं बच सकती, चाहे ड्रोन हो चाहे इतना बड़ा हेलीकॉप्टर, कुछ भी इससे नहीं बच सकता। ये आपके टीम में कम से कम एक होना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी सिचुएशन ख़राब हो सकती है और एनिमी इस तरीके से स्टेल्थ चॉपर का यूज़ कर सकता है। अगर आपको अपने टीममेट्स प्यारे हैं तो आप सैम टरेट ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि भाई इससे कोई भी चीज़ बन नहीं सकती जो भी एयरबोर्न हो। गाइस जो अब देखने वाले हो भाई, ये देख के सामने वाले की हवा ख़राब हो जाती है अगर आपके टीममेट यूज़ कर ले, या आप यूज़ कर लो, या आपके टीममेट आप पर यूज़ कर ले। भाई इसका नाम है XS1 गोलैथ। भाई ये पूरी की पूरी स्क्वाड को वाइप करने का दम रखता है। इसके अंदर एक मिनी गन लगी होती है और नियर रेंज के लिए एक हैंड लगा रहता है, जिसके आगे काफ़ी बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं जिससे आप एनिमीज को डैमेज कर सकते हो। गाइस अगर आपको अपनी पूरी टीम बचानी है, आपको सामने वाली की टीम पूरी ख़त्म करनी है, भाई XS1 गोलैथ बिल्कुल बेस्ट वेपन है। इसकी मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स भी लगे हुए रहते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छा फीचर तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट का है। अगर आपके सामने 5 बंदे हो गए तो आपको बस सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देना, 5 के 5 बंदों की लाश वहीं पे बिक जाएगी। इससे भी बचा जा सकता है, पर अगर आपके टीममेट्स थोड़े भी समझदार हुए तो बच सकते हैं, वरना इससे बचना तो एक टाइप से इम्पॉसिबल होता है। गाइस अगर आपने इसको यूज़ कर लिया तो आपकी हेल्थ थोड़ी टाइम के लिए 500-600% बढ़ जाएगी, जब तक आप इसमें बैठे हो। पर अगर आपके सामने इतने सारे एनिमीज हो तो भाई आपको कोई भी नहीं बचा सकता, आपको सिंपली सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देना, भाई सारे के सारे आसपास में जितने भी रेंज में सारे ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। फिर से गाइस मैं आपको पूछता हूँ कि आपको धमाके पसंद है तो एक क्लस्टर स्ट्राइक आप ही के लिए बना है, क्योंकि इससे आप कहीं पे भी रेड जोन बना के काफ़ी सारे बॉम्ब्स इस तरीके से बरसा सकते हो। इसमें आप खुद भी मर सकते हो, आपके टीममेट्स भी मर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। पर इससे एनिमीज का बचना इम्पॉसिबल होता है, पूरे एनिमीज जहाँ स्पॉन होते हैं वहीं पर रेड जोन बना दो सीधा। गाइस अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। अब मैं आपको अगली स्कोर स्ट्रीक के बारे में बताने वाला हूँ, वो है ये एडवांस UAV। ये UAV का अपग्रेडेड वर्जन है। मैंने बोला था जैसे UAV में आपको बचने के चांसेस होते हैं एनिमीज के, पर जो एडवांस्ड वर्जन है उसमें तो बिल्कुल ना के बराबर ना चांसेस ही नहीं है कि कोई एनिमी रडार से बच सके। ये भी उसी तरीके से वर्क करता है, पूरा मैप स्कैन करेगा, आपके आसपास एनिमीज के एग्जैक्ट से एग्जैक्ट लोकेशन देता रहेगा। वैसे चार्ज होने में भी ज़्यादा पॉइंट्स लगते हैं एज कम्पेयर टू UAV से। गाइस तबाही डिस्ट्रक्शन तो बहुत कर लिया, लेकिन अब थोड़ा अलग टाइप का डिस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम सीधा एनिमीज के सारे जो स्कोर स्ट्रीक मैप सबको जैम कर देंगे। बट रुको, बस मुझे एक सेकंड दो, मैं आपको सारे के सारे जो एनिमीज के मैप्स होते हैं सब कुछ बन करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको स्कोर स्ट्रीक में एक स्कोर स्ट्रीक आती है जिसका नाम होता है EMP सिस्टम्स। इसको अगर आपने यूज़ कर दिया, मतलब सिंपली ऐसा दबा देना बटन और आसमान से जिस कलर की रेज निकलेगी जो एनिमीज के सारे मशीनरीज को ड्रॉप कर देगी, बंद कर देगी कुछ टाइम के लिए। गाइस इससे एनिमी ना ही कोई थ्रोएबल यूज़ कर पाएगा, ना ही कोई ऑपरेटर स्किल यूज़ कर पाएगा, ना ही कोई स्कोर स्ट्रीक यूज़ कर पाएगा। पूरा का पूरा उसका सिस्टम जैम हो जाएगा, मैप तक जैम हो जाएगा। भाई काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। गाइस मतलब जो एनिमीज का इतना बुरा टाइम हो जाएगा ना भाई, सीधा उनको ऐसे एक्स मारोगे ना तो फिर भी आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गाइस जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ये अभी इसी सीज़न में लेटेस्ट स्कोर स्ट्रीक आई है। इसका नाम है Hawk X3 ड्रोन। इस ड्रोन से आपको अनलिमिटेड एमओ मिल जाती है इन मिनी गन फिटेड। बाकी सारे फीचर्स तो M27 ड्रैगन की तरह है, पर इसमें ऐसा सीन नहीं कि आपके सिर्फ 3-4 लिमिटेड एमओ है। इसमें आपको अनलिमिटेड एमओ, जितना आपको पास एमओ चलाना है उतना चलाओ और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते रहो, ताकि आप ये ड्रोन ज़्यादा टाइम तक उड़ा पाओ। और ये ड्रोन का इस बहुत मस्त सीन होता है कि आप पतली पतली गलियों में उड़ सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और बंदों को हवे में मारो। गाइस ये चीज़ के जो सारे फीचर्स है वो M27 ड्रैगन फायर की तरह है, बस इसमें आपके पास अनलिमिटेड एमओ होती है, नॉर्मल बुलेट्स होती है, पर M27 में प्लाज्मा बुलेट्स होती है जो कि ब्लास्ट होती है ज़मीन पर टकराने के बाद। तो ये वही सारे सेम फीचर्स थे, तो मैं आपको अगली स्कोर स्ट्रीक के बाद लेके जाता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते हो तो आपने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, विटॉल। ये विटॉल एयरशिप होती है, मतलब इसके पास आपको बस एक ही दिक्कत है कि इसका फुल कंट्रोल आपके पास में होता है। ड्रोन रैंडमली यहीं पर घूमता रहता है, पर इस बॉक्स अनलिमिटेड एमो, मतलब इसको बस छू देना है एनिमीज को और वहीं पे उनका गेम खत्म हो जाएगा। और इससे भाई अब हर गेम में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, चाहे डोमिनेशन हो चाहे किल कन्फर्म हो, सभी गेम्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और इसका बस यही प्रॉब्लम है कि भाई देख पा रहे हो कि इसको हम मूव नहीं कर सकते अपने मर्जी से, ये ऑटोमेटिकली मूव होता है। गाइस अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर दो, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।